हेलो स्टूडेंट, हम लोग फिनॉल को कवर कर रहे थे। फिनॉल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन को हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फिनॉल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, हम लोग इसे कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। मतलब कुछ ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी जो फिनॉल में प्रेजेंट OH ग्रुप की वजह से होंगी, और कुछ ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी जो बेंजीन रिंग की वजह से होंगी। जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेंजीन रिंग की वजह से होंगी, वो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। क्या मैंने कहा? बेंजीन रिंग की वजह से जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, वो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी, और OH ग्रुप की जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हुआ करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे OH ग्रुप की वजह से फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। जरा समझने की कोशिश करना। देखो, OH की वजह से हम लोग रिएक्शन कराते हैं NaOH की, रिएक्शन विथ NaOH, रिएक्शन विथ NaOH। जरा समझने की कोशिश करना क्या फॉर्म होता है। देखो जरा, ये आपका फिनॉल है। फिनॉल की जब NaOH से रिएक्शन कराएंगे, आपको ये पता है, मैंने आपको बताया है कि फिनॉल एसिडिक होता है। अगर फिनॉल एसिडिक होगा तो H+ डोनेट करेगा, है ना। ये H+ होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। NaOH कैसे ब्रेक होगा? Na+ और OH- माइनस। Na+ ऑक्सीजन नेगेटिव पे जाएगा, OH+ और OH- माइनस क्या बना लेगा? H2 बना लेगा। तो क्या फॉर्म होता है, जरा समझिए ध्यान से। ONa फॉर्म होगा, है ना। ONa क्या बोलते हैं? सोडियम, और ये फिनॉक्साइड है। मतलब कि ये जो आयन है, ये जो आयन है, इसे क्या बोलते हैं? बेंजीन रिंग से O- जुड़ जाए, उसे क्या बोलते हैं? फिनॉक्साइड आयन। ये क्या बन गया आपका? सोडियम फिनॉक्साइड आयन। क्या बना है? सोडियम फिनॉक्साइड आयन बना। तो NaOH के साथ क्या बनाता है? सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनाता है। बड़े आसान सी रिएक्शन है। H+ फिनॉल देता है, NaOH, Na+, OH- H2 निकल जाएगा, Na+ यहां पे जुड़ जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगर केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, इसे मिटाते हैं। रिएक्शन विथ डाइएजोमेथेन, क्या कौन सी प्रॉपर्टीज है आपकी? रिएक्शन विथ डाइएजोमेथेन, CH2N2, इसे क्या बोलते हैं? डाइएजोमेथेन बोला करते हैं। जस्ट समझने की कोशिश करना, ये होता क्या है, डाइएजोमेथेन रिएक्शन कैसे होती है। देखो, डाइएजोमेथेन के साथ कभी भी रिएक्शन होगी, क्या मैंने कहा, डाइएजोमेथेन के साथ कभी भी रिएक्शन होगी, ये डाइएजोमेथेन जो होता है वो एक्टिव हाइड्रोजन से तुरंत ही जुड़ जाता है। फिर से सुने, डाइएजोमेथेन कभी भी कंपाउंड से रिएक्शन करेगा, ऐसे कंपाउंड जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन है, उसमें जो CH2 ग्रुप होगा डाइएजोमेथेन का, वो एक्टिव हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, है ना। अब देखो जरा कैसी रिएक्शन होती है। CH2 ग्रुप है ना, एक्टिव हाइड्रोजन, ये एक्टिव हाइड्रोजन है। एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब क्या है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, या हैलोजन से जुड़ी हाइड्रोजन क्या बोला करते हैं? एक्टिव हाइड्रोजन बोला करते हैं। क्या मैंने कहा? सबसे पहले SON से जुड़ी हाइड्रोजन क्या बोलेंगे? एक्टिव हाइड्रोजन। उसके बाद हैलोजन से जुड़ी हाइड्रोजन क्या बोलेंगे? एक्टिव हाइड्रोजन बोलेंगे, है ना। बहुत सारे एक्टिव हाइड्रोजन केस होते हैं, मैंने आपको बताया सब कुछ, ठीक है। ये CH2 क्या करेगा? ये H से जुड़ जाएगा, एक्टिव हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और N2 बाहर निकलेगा। मतलब कैसे, जैसे समझें कुछ इस तरीके से। ये रिएक्शन हम लोगों ने एल्कोहल में भी पढ़ी थी, है ना। तो ये क्या बनेगा? एनिसोल। ये इसका नाम क्या है आपका? एनिसोल। ये आपका एनिसोल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक। नहीं बस समझ में, फिर से सुने ध्यान से। जैसे हम लोगों ने एल्कोहल में कैसी पढ़ी थी रिएक्शन, ये एल्कोहल है आपका। एल्कोहल की यदि हम क्या करें, डाइएजोमेथेन से रिएक्शन कराते हैं, डाइएजोमेथेन से रिएक्शन कराते हैं, तो होता क्या है, ये CH2 ग्रुप क्या करता है? एक्टिव हाइड्रोजन पर अटैक करता है। एक्टिव हाइड्रोजन है ना, ऑक्सीजन जुड़ी है ना, हाइड्रोजन, ये ठीक है। तो क्या बनेगा? ये आर ओ सी एस सी, ये आपका ईथर का फॉर्मेशन होता है। ये भी आपका क्या है? ईथर ही तो है, आपको दिख रहा है? हाँ, आपको क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो ईथर का फॉर्मेशन हो जाया करता है, ठीक है। तो देखो जरा, फिनॉल की जब भी डाइएजोमेथेन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा? ईथर होगा, जिसका नाम क्या है आपका? एनिसोल है। बात समझ में आ गई होगी। चले और नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज को हम जिक्र करते हैं। रिएक्शन विथ फास्फोरस पेंटा सल्फाइड, किसकी रिएक्शन कराएंगे हम लोग? फास्फोरस पेंटा सल्फाइड की। बड़ी आसान सी रिएक्शन। देखो, ये आपका फिनॉल है, जरा समझने की कोशिश करना। ये आपका क्या है? फिनॉल है, ठीक है। फास्फोरस पेंटा सल्फाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। यहां पे क्या करें आप? ऑक्सीजन को सल्फर की जगह पे ऐड कर दें, ऑक्सीजन को सल्फर की जगह पे जोड़ दें, और सल्फर को ऑक्सीजन जगह पे, बस इसके पांच मॉलिक्यूल ले लीजिएगा। क्या किया मैंने? सल्फर को ऑक्सीजन जगह पे, ऑक्सीजन को सल्फर की जगह पर। तो होगा क्या? देखो, ये वाला कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, SH, थायोफिनॉल का फॉर्मेशन होता है। इसका नाम क्या है? थायोफिनॉल।
है ना, और क्या बनता है P2O5 बनता करता है, क्या बनेगा P2O5 बनाएगा, इसका नाम क्या है थायोफिनोल। ठीक है, जैसे ये आपका क्या होता है एल्कोहल होता है, इसी तरीके से अगर OH को हटा के OH को हटा के SH लगा दें उसे क्या बोलेंगे थायो एल्कोहल बोलेंगे, इसी तरीके से ये आपका फिनॉल होता है OH ग्रुप है अगर SH लगा दें तो इसे क्या बोलेंगे थायोफिनॉल बोलेंगे। बात समझ में आ गई आपको, चले है ना, तो इसमें कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, सल्फर को यहाँ पे लगा दो ऑक्सीजन जगह पे, ऑक्सीजन को सल्फर की जगह पे लगा दो और आपका कंपाउंड बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है थायोफिनॉल। चलिए और क्वेश्चन को कवर करते हैं, ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है हम मिटा रहे हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है आपकी एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन एसिटाइलेशन में होगा क्या, फिनॉल की रिएक्शन हम लोग कवर करते हैं एसिटाइलेशन में, क्या करते हैं फिनॉल की रिएक्शन को एसाइल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड से रिएक्शन कराते हैं, है ना, ये देखो एसाइल ग्रुप है ना, ये CH3CO एसाइल ग्रुप है, तो होगा क्या देखो H प्लस यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव, H प्लस O माइनस, ठीक ये एसाइल ग्रुप कहाँ लगेगा जाके ऑक्सीजन नेगेटिव पर, एसाइल ग्रुप कहाँ लगेगा ऑक्सीजन नेगेटिव पर, H प्लस Cl माइनस के साथ रिएक्शन करके क्या निकल जाएगा HCl निकल गया, एसाइल ग्रुप कहाँ लगेगा जाके ऑक्सीजन नेगेटिव पर, क्या फॉर्म होगा जरा समझिए, देखो जरा ऑक्सीजन पे नेगेटिव था कौन लगेगा जाके कार्बन से लगेगा, है ना, किस तरीके से ऐसे इस तरीके से CH3CO किससे लगेगा ऑक्सीजन नेगेटिव पर, तो इसका इसका नेम क्या होगा जरा समझिए, ये देखो ये आपको पता है ना ये क्या हुआ करता है, इसे एसीटेटाइन बोला करते हैं ना, इस यहाँ पे क्या लगा दो अब फिनाइल ग्रुप लगा दो C6H5, तो इसका नाम क्या होगा फिनाइल एसीटेट, ये तो एसीटेट है ये क्या है फिनाइल है, तो क्या हो गया इसका नाम फिनाइल एसीटेट हो गया, क्या नाम है इसका फिनाइल एसीटेट, तो इसका नाम क्या होगा आपका फिनाइल एसीटेट। बात नहीं समझ में आई फिर से समझिए, यहाँ पर निगेटिव होगा यहाँ पर पॉजिटिव होगा, CH3CO से रिएक्शन करा रहे हैं यहाँ पर निगेटिव क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कम है और Cl की ज्यादा है, यहाँ पर निगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, ये वाला ग्रुप कहाँ जाएगा ऑक्सीजन के पास, क्या बनेगा फिनाइल एसीटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको, चलिए और रिएक्शन कराते हैं, जैसे हम लोग क्या करें फिनॉल की रिएक्शन इसे हम मिटा देते उसके बाद करते हैं, फिनॉल की रिएक्शन हम लोग एस्टिक एनहाइड्राइड से कराएं, फिनॉल की रिएक्शन एस्टिक एनहाइड्राइड से, एस्टिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है कुछ इस तरीके से होता है ना CH3CO का होल ट्वाइस O, ये तो है एस्टिक एनहाइड्राइड, ये ब्रेक कर दो यहाँ से, ऑक्सीजन और कार्बन किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आई है ना ऑक्सीजन की ना, यहाँ पर निगेटिव होगा यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा ये निगेटिव होगा, एच प्लस कहाँ जाएगा निगेटिव के पास ना, ये पार्ट पूरा निगेटिव है H प्लस यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो इसका मतलब CH3COOH बनेगा मतलब एस्टिक एसिड बनेगा और ये वाला ग्रुप कहाँ लगेगा ऑक्सीजन निगेटिव के पास, क्या बनेगा कुछ इस तरीके से फिनाइल एसिटेट वही बना, और क्या फॉर्म हुआ CH3COOH का फॉर्मेशन हुआ, एस्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। बात समझ में आ गई होगी आपको, नहीं आई बात समझ में फिर से देखें, देखो ये एस्टिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है आपको पता होगा, ठीक है तो एस्टिक एनहाइड्राइड में ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो सकता है या पहले ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दीजिएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिव है ये उस पर नेगेटिव दे दीजिए दूसरी पर पॉजिटिव दे दीजिएगा, तो ये वाला ग्रुप कहाँ जाएगा ऑक्सीजन नेगेटिव के पास, एच प्लस कहाँ जाएगा इस नेगेटिव के पास, क्या बनेगा आपका फिनाइल एसीटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये भी क्या है आपका फिनाइल एसीटेट है। बात समझ में आ गई आपको, चले और रिएक्शन करते हैं, इसे मिटा दे रहे हैं आप लोग कवर कर लीजिएगा। अब हम रिएक्शन कराते हैं रिएक्शन विथ जिंक, किसी रिएक्शन कराते हैं जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन विथ जिंक, रिएक्शन विथ जिंक बहुत अच्छी रिएक्शन है, यह क्या होगा फिनॉल की रिएक्शन जब हम जिंक के साथ कराते हैं तो फिनॉल का रिडक्शन हो जाता है, रिडक्शन का मतलब क्या फिनॉल से ऑक्सीजन निकल जाता है ZN के साथ चला जाता है, फिनॉल की रिएक्शन जब हम जिंक के साथ कराते हैं तो फिनॉल का रिडक्शन हो जाता है, मतलब फिनॉल का जो ऑक्सीजन है वो ZN के साथ चला जाता है और क्या फॉर्मेशन हो जाता है बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है, किसका फॉर्मेशन हो जाता है बेंजीन का, क्योंकि ऑक्सीजन किसके साथ चला जाएगा ZN के साथ, क्या बना लेगा ZNO बना लेगा है ना, और ये H यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, क्या बनेगा आपका
बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। ये क्या है आपका? बेंजीन है। सिंपल सी रिएक्शन है, इसमें ज़्यादा कोई सोचने वाली बात नहीं है। अच्छा एक और रिएक्शन बताओ, ये जैसे हम इसकी रिएक्शन कराएं, ये क्या है आपका? सैलिसिलिक एसिड है। क्या होता है आपका? सैलिसिलिक एसिड होता है, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन हम जिंक से कराते हैं, बताओ क्या बनेगा? वही बिल्कुल सेम रिएक्शन है, इसका क्या होगा? रिडक्शन होगा, क्या निकल जाएगा? ZNO निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा आपका? बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? हम लोग जब सैलिसिलिक एसिड को कवर करेंगे तो हम लोग ये सब चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये वाली रिएक्शन मैंने पहले बता दिया है, तो आप लोग माइंड में सेव रखिएगा, है ना। चलिए और रिएक्शन करते हैं, इसे हम मिटाते हैं। देखो चलो, जब फिनॉल की रिएक्शन होती है FeCl3 के साथ, ये रिएक्शन अच्छी है, फिनॉल की रिएक्शन FeCl3 के साथ होती है तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। क्या मैंने कहा? फिनॉल की रिएक्शन FeCl3 के साथ होती है तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। कैसे? देखो चलो, ये आपका फिनॉल है, ये आपका फिनॉल है, फिनॉल की FeCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, और कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रकार की कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कलर होता है वो वॉयलेट कलर का होता है। कैसे कलर का होता है? वॉयलेट कलर का होता है, बैंगनी कलर का होता है। तो आप लोग क्या कर लीजिए, रिएक्शन को बैलेंस करना हो तो कर लीजिएगा, 6 फिनॉल के मॉलिक्यूल को लेकर, है ना। अब इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस इतना है कि अगर आपसे ये कह दिया जाए, बताओ जरा, अगर आपसे कह दिया जाए बताओ जरा फिनॉल, ये फिनॉल है आपका और ये साइक्लोहेक्सेनॉल है आपका, ये आपका साइक्लोहेक्सेनॉल है, इन दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए एक रिएक्शन का नाम बताइएगा। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो आप क्या कहेंगे, सर देखिएगा जो एल्कोहल होता है FeCl3 के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है, मतलब एल्कोहल FeCl3 के साथ बैंगनी कलर नहीं देता है, वॉयलेट कलर नहीं देता है, जबकि फिनॉल जो होता है FeCl3 के साथ वॉयलेट कलर देता है। इसका मतलब यह हुआ, ऐसा कंपाउंड जो FeCl3 के साथ आपका वॉयलेट कलर देगा वो तो फिनॉल होगा, अगर वॉयलेट कलर नहीं दे रहा है वो क्या होगा आपका? एल्कोहल होगा। जनरली पूछ दिया जाता है, बताओ जरा अगर आपको कोई सैंपल दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए बताओ ये फिनॉल होगा या एल्कोहल होगा, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे सर इसकी FeCl3 से रिएक्शन करा दीजिएगा, अगर ये बैंगनी कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा इसका अगर बैंगनी कलर आता है तो वो फिनॉल होगा, अगर नहीं आता है तो वो क्या होगा आपका? एल्कोहल होगा। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अब आप लोग इसे लिख लीजिएगा, हम इसे मिटाते हैं, आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए मिटा दें, चल ठीक। देखो चलो, अब ये जो जितनी भी रिएक्शन थी वो OH ग्रुप की वजह से थी। अब हम लोग ऐसे कुछ रिएक्शंस को कवर करेंगे जो बेंजीन रिंग की वजह से है। कौन सी है? बेंजीन रिंग की वजह से है। उन्हें बोला करते हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनॉल, सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनॉल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल, है ना, यहाँ पे आर रिएक्शन जोड़ लेना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल का मतलब क्या है? ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रोफाइल जो अटकी रिएजेंट होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्या मैंने कहा? ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें अटकी जो रिएजेंट होता है वो क्या होता है आपका? इलेक्ट्रोफाइल हुआ करता है। मेरी बात समझना ध्यान से, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या? ऐसी स्पीसीज जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसी तो बोला करते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या मैंने कहा? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या? ऐसी स्पीसीज, ऐसे आयन, ऐसे मॉलिक्यूल जिन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसे क्या बोला करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल बोला करते हैं, है ना। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो फिनॉल मॉलिक्यूल या फिर बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। अब बात ये आती है कि बताओ जरा कि कहाँ पर अटैक करेगा ये जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, E प्लस जो होगा वो बेंजीन रिंग के किस पोजीशन पे अटैक करेगा? जरा समझे, ध्यान से समझना, इसे हम E प्लस को मिटा रहे हैं। अब मेरी बात समझना, देखो जरा,
हम लोग क्या करते हैं, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बना के देखते हैं, फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बना के देखते हैं। वैसे मैंने बनाना सिखाया आपको, एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में मैंने सब कुछ बताया था आपको। आपको पता है डबल एलाइलिक एटम है, ये एलाइलिक एटम पर लोन पेयर क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पे ट्रांसफर होगा, ये यहाँ पे ट्रांसफर होगा, आपको रेजोनेंस आता होगा, ठीक है। अगर रेजोनेंस नहीं आता है तो आप लोग रेजोनेंस सीख लीजिएगा, मैंने रेजोनेंस पे फुल वीडियो बना रखे हैं। ये लोन पेयर ऑक्सीजन से गायब, सिंगल बॉन्ड पे ट्रांसफर, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे ही बनेगा ना। अब डबल टू नेक्स्ट पर फिर से नेगेटिव है, ये देखो डबल बॉन्डेड है, ये एलाइलिक पोजीशन पर नेगेटिव है, क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। ये नेगेटिव सिंगल बॉन्ड पे ट्रांसफर होगा, ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे ट्रांसफर होगा, मतलब कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होगा, ऐसे फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, ठीक है, और यहाँ पे। अब फिर से ये डबल टू नेक्स्ट पर क्या है, नेगेटिव है, मतलब डबल टू सिंगल बॉन्डेड कार्बन है जिस पर नेगेटिव, मतलब एलाइलिक पोजीशन पर नेगेटिव, रेजोनेंस करेगा, ये यहाँ पे ट्रांसफर होगा, ये यहाँ पे ट्रांसफर होगा, क्या समझे ध्यान से, कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पर निगेटिव कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, ये पाई बॉन्ड इस तरीके से है, नहीं तो पूरा समझ जाए आप लोग, ठीक। अब जरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखो आप, जैसे मान लेते हैं ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे बैठा हुआ है, ये इलेक्ट्रोफाइल बैठा हुआ है, इसे फिनॉल की बेंजीन रिंग पे अटैक करना है, ये कहाँ किस पोजिशन पर अटैक करेगा, जहाँ पर इसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी, सिंपल सी बात है, जहाँ इसे नेगेटिव चार्ज मिलेगा वहीं पे तो ये अटैक करेगा। देखो अब बताओ जरा फिनॉल की किस किस पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज इसे दिखेगा, यहाँ पे तो कोई नेगेटिव चार्ज दिख नहीं रहा है, चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑर्थो पे दिख रहा है, ये ऑर्थो पोजीशन होती है ना, पता है ना, ग्रुप के बगल वाली पोजीशन ऑर्थो पोजीशन होती है, ऑर्थो पर दिख रहा है, ये वाला पैरे पर दिख रहा है, ये वाला फिर से ऑर्थो पर दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ अगर बेंजीन रिंग से OH ग्रुप जुड़ जाए तो नेगेटिव कहाँ कहाँ आता है, ऑर्थो पे आता है और पैरा पे आता है, नेगेटिव कहाँ कहाँ आएगा, ऑर्थो पे आएगा और पैरा पे आएगा। तो हम E+ कहाँ अटैक करेगा बताओ जरा, E+ कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पर करेगा या फिर पैरा पे करेगा या फिर दोनों जगह पे करेगा, ऑर्थो और पैरा पर, बात समझ में आ गई होगी, कैसे क्यों करेगा E+, मतलब इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पर क्यों अटैक करेगा, क्योंकि ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हुआ करती है, किसकी वजह से ज़्यादा होती है, बेंजीन रिंग से जो OH ग्रुप होता है उसकी वजह से ज़्यादा होती है, इसलिए OH ग्रुप को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोला करते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्योंकि OH ग्रुप की वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल OH ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा की डायरेक्शन देता है, किसकी, ऑर्थो पैरा की डायरेक्शन देता है इलेक्ट्रोफाइल को, कौन देता है, OH ग्रुप दिया करता है। यहाँ से क्लियर हो रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, क्यों यहाँ पे ऑर्थो पर नेगेटिव है और पैरा पर नेगेटिव है, पास समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई तो वीडियो को पीछे करें फिर से समझ लें ध्यान से, ठीक। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, आप याद रखिएगा ऑर्थो पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा या फिर पैरा पर जुड़ेगा, ठीक है। अब मेरी बात समझना ध्यान से, केमिकल प्रॉपर्टीज की अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं, हम लोग मिटाते हैं इसे। सबसे पहले हम लोग नाइट्रेशन पढ़ेंगे, क्या मैंने कहा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रेशन पढ़ेंगे, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल पढ़ेंगे। फिनॉल का जो नाइट्रेशन होता है वो टू टाइप से होता है, क्या मैंने कहा, फिनॉल का जो नाइट्रेशन होता है वो टू टाइप से होता है, पहले तो नाइट्रेशन करते हैं डाइल्यूट H3 के प्रेजेंस में, और दूसरा जो नाइट्रेशन है कंसंट्रेट H3 और कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में करेंगे। पहले क्या कहा मैंने, फिनॉल का नाइट्रेशन टू टाइप से होता है, पहला नाइट्रेशन हम लोग करेंगे डाइल्यूट H3 के प्रेजेंस में, और दूसरा नाइट्रेशन क्या करेंगे हम लोग, कंसंट्रेट H3 और कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में, जैसे समझ। चलो हम लोग सबसे पहले फिनॉल का डाइल्यूट H3 के द्वारा नाइट्रेशन करते हैं ना, जब समझने की कोशिश करना आप, जैसे ये फिनॉल है आपका, ये आपका फिनॉल है, फिनॉल का नाइट्रेशन करेंगे डाइल्यूट H3 के द्वारा, डाइल्यूट H3 के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल बनता है आपका NO2+, क्या बनता है आपका NO2+। अब बताओ जरा OH की वजह से, OH रिंग की, OH ग्रुप की वजह से रिंग की किस किस पोजीशन पर निगेटिव आता है, एक बार ऑर्थो पे आता है, दूसरी बार पैरा पे आता है, एक बार ऑर्थो पे आता है, दूसरी बार पैरा पे आएगा, तो NO2 कहाँ जुड़ेगा, सबसे पहले NO2+ क्या देखेगा, इसे निगेटिव देखना है, ये निगेटिव को देखता है, निगेटिव कहाँ कहाँ मिलेगा, एक बार ऑर्थो पे मिलेगा, दूसरी बार पैरा पे मिलेगा, एक बार तो ऑर्थो पर देख लेगा तो ऑर्थो से जुड़ जाएगा, जैसे ही इसने ऑर्थो से देखा तुरंत ही क्या जुड़ गया, ऑर्थो से NO2 जुड़ गया। अब क्या करेगा, NO2+ फिर से देख लेगा, ये पैरा पर भी नेगेटिव है तो पैरा पर भी अटैक कर देगा, पैरा पर भी अटैक कर देगा,
है ना। तो क्या बना आपका, आपका बना ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन हुआ करता है। मेरी बात सुने ध्यान से, फिर से सुने, ये फिनॉल है आपका, डाइल्यूट एच थ्री से रिएक्शन करेगा, डाइल्यूट एच थ्री से क्या मिलेगा आपको, एनओ टू प्लस मिलेगा, है ना। एनओ टू प्लस कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पर इसे निगेटिव दिखा, क्योंकि पॉजिटिव है ये, कहाँ जाएगा, निगेटिव के पास जाएगा। निगेटिव कहाँ का मिलेगा, एक बार तो ऑर्थो पे मिला था, अभी नेचुरिटी स्ट्रक्चर बना के दिखाया मैंने, एक बार तो ऑर्थो पे हुआ, ऑर्थो पे मिला था और पैरा पे मिला था। तो ये निगेटिव को देखेगा, इसे देखेगा कि ऑर्थो पर निगेटिव है तो ऑर्थो से भी जुड़ जाओ, और पैरा पर भी निगेटिव है और पैरा से भी जुड़ जाओ। तो इसका नाम क्या है, इसका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इसका क्या नाम है, पैरानाइट्रोफिनॉल। अगर आपसे कोई पूछे बताओ जरा, जब हम फिनॉल का डाइल्यूट एच थ्री के द्वारा नाइट्रेशन करेंगे तो क्या फॉर्म होता है, तो आप कहेंगे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल फॉर्म होता है और पैरानाइट्रोफिनॉल फॉर्म होता है। इसका मतलब क्या, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर फॉर्म हुआ करता है। बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए आप देखो जरा, ये तो पहला केस है नाइट्रेशन में, ये पहला केस है। दूसरा केस क्या होता है, दूसरा केस बहुत अच्छा है। फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं हम लोग कंसनट्रेट HNO3, नाइट्रेशन करते हैं कंसनट्रेट HNO3 और कंसनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में। ये भी नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है ना, पता है ना, ये मैंने गोला कर दिया, इसका मतलब ये नहीं मैंने गोला ही है यहाँ पर। तो ये भी नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है, कंसनट्रेट HNO3 और कंसनट्रेट H2SO4। यहां से भी आपको Na2+ मिलता है, क्या मिलता है आपको, Na2+ मिलता है। लेकिन यहां से जो Na2+ मिलता है ये बड़ा जबरदस्त होता है, ये क्या करता है, एक साथ सबको निगेटिव को देख लेता है, ऑर्थो पर भी निगेटिव देखेगा, पैरा पर भी निगेटिव देखेगा, फिर से ऑर्थो पर निगेटिव देख लेगा। हमने रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनाए थे तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि निगेटिव कहां कहां आता है, ऑर्थो पे आता है, दोनों ऑर्थो पोजिशन पे आता है और पैरा पे आता है। तो ये Na2+ यहां से जो मिलता है वो एक साथ अटैक करता है, ऑर्थो पोजिशन पर भी और पैरा पोजिशन पर भी, दो ऑर्थो है और एक पैरा है, मतलब कुछ इस तरीके से कंपाउंड बनेगा कुछ ऐसे, ये ऐसे कंपाउंड बनेगा। इस कंपाउंड का जो नाम है वो है आपका पिक्रिक एसिड, बहुत ज्यादा मोस्ट है ये पिक्रिक एसिड, क्या है, पिक्रिक एसिड है। इस कंपाउंड का जो नाम है क्या है आपका, पिक्रिक एसिड, एक्सप्लोसिव हुआ करता है, विस्फोटक हुआ करता है, एक्सप्लोसिव हुआ करता है, ठीक है। तो इसे, इसका केमिकल नेम क्या है, ये वन पोजिशन है, ये टू पोजिशन है, ये थ्री फोर फाइव सिक्स, 2.4.6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल है, क्या है इसका केमिकल नाम, 2.4.6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल है। बात समझ में आ गई आपको। चलिए अब हम लोग कवर करेंगे, देखो नाइट्रेशन तो कवर कर लिए, नाइट्रेशन जो होता है वो टू टाइप से होता है, डाइल्यूट HN3 के द्वारा क्या बनता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर बनता है, और कंसनट्रेट HN3 के द्वारा क्या बनता है, पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ करता है, जो कि आपका एक विस्फोटक सब्सटेंस हुआ करता है। चलिए अब हम लोग कवर करेंगे सल्फोनेशन, सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल को कवर करेंगे, इसे मिटा दे रहे हैं ना, आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या कवर करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सल्फोनेशन को कवर करेंगे, सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल, सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल, सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। मेरी बात समझना ध्यान से, पहले तो ये बताओ सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है, आपको पता है ना SO3 होता है ना, न्यूट्रल हुआ करता है, सल्फोनेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होगा, SO3 होगा। मेरी बात समझना ध्यान से, सल्फोनेशन ये आपका फिनॉल है, हम इसकी रिएक्शन, इसका सल्फोनेशन कराएंगे कंसनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, कंसनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में। आपको यहां से इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा SO3, क्या मिलेगा, SO3 इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, है ना। SO3 इलेक्ट्रोफाइल मिला तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, एक बार ऑर्थो पर करेगा, दूसरी बार पैरा पर करेगा, तो करा दीजिए अटैक, है ना। इसकी मैकेनिज्म आपने पढ़ी है तो हम लोग डायरेक्टली कवर कर ले रहे हैं। OH फिनॉल है, SO3 का एक बार ऑर्थो पर अटैक करा दी, H ऑलरेडी होता है यहां पर, तो आप ऐसे ही समझ लें H ऑलरेडी होता है, SO3 जुड़ गया, मतलब कि क्या बन जाएगा, SO3H। H कहां से आया आप इतना समझ लीजिएगा, H कहां से आया, बस ये वाला इससे जुड़ गया, ठीक है। ये मैकेनिज्म आपने पढ़ी है बहुत अच्छे से, ठीक। और दूसरी बार इलेक्ट्रोफाइल कहां का अटैक कर देगा, यहां पर भी अटैक कर देगा, पैरा पर, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहीं पे तो निगेटिव होता है, ऑर्थो पोजिशन पर निगेटिव होता है, पैरा पोजिशन पर निगेटिव होता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, जहां से निगेटिव मिलेगा, कहां का निगेटिव है, एक बार
ऑर्थो पर मिला था, दूसरी बार पैरा पर मिला था, तो इसे ये क्या बन गया आपका, देखो ये होता है आपका, ये जो कंपाउंड है आपका इसे बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? बेंजीन, ये बेंजीन है, ये क्या है? सल्फोनिक एसिड ग्रुप है। इसे क्या बोला करते हैं? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये जो कंपाउंड का नाम है क्या है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस कंपाउंड के रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन ऑर्थो है ना, इस कंपाउंड के रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन ऑर्थो है, अगर ऐसा लिखा हो तो इसे क्या बोलेंगे? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और ये वाला देखो, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, तो ये क्या बन गए, क्या नाम होगा इनका? इनका नाम होगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड। और ये क्या है आपका, देखो ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, पैरा हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड। भाषण में आ गई क्या मैंने कहा? जब भी हम फिनोल का कंसंट्रेशन फोर के द्वारा सल्फोनेशन कराते हैं तो क्या क्या फॉर्म हुआ करता है? ऑर्थो हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड और पैरा हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड का मिक्सचर फॉर्म हुआ करता है। भाषण में आकी होगी आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग कवर करते हैं फिनॉल का हेलोजिनेशन, इसे हम मिटाते रहे, आप लोग इसे नोट्स बना लेना है, इसे लिख लेना है ना। अब नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल। क्या कवर करेंगे? हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल। थर्ड जो है आपकी हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल। जब समझने की कोशिश करना, फिनॉल की हम Br2 से रिएक्शन कराते हैं, Br2 के साथ हेलोजिनेशन कराते हैं। ये टू टाइप से होता है, Br2 के साथ जो रिएक्शन है वो ही आपके एग्जाम में पूछी जाती है। फिनॉल की टू टाइप से होती है, कैसे? फिनॉल की Br2 से रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। यहाँ से Br+ बनेगा, क्या बनेगा आपका? Br+ निकलेगा। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनेगा? Br+। हेलोजिनेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? X+ होता है ना, Br+, Cl+, है ना, I+, तो यहाँ से Br+ बनेगा। ये Br+ कहाँ जाएगा? जहाँ पर इसे निगेटिव मिलेगा। निगेटिव कहाँ मिलता है बताओ जरा, OH की वजह से निगेटिव कहाँ मिलता है? एक बार ऑर्थो मिलता है, दूसरी बार पैरा मिलता है, तो एक बार ऑर्थो पर अटैक करेगा, दूसरी बार पैरा पर अटैक करेगा। एक बार तो जैसे ही जो निगेटिव देखेगा, ऑर्थो पर निगेटिव देखा तो Br+ भगा चला आया यहाँ पर ऑर्थो पर, कि हमें जोड़ लो क्योंकि मेरे पास निगेटिव पॉजिटिव है, हमें निगेटिव को चाहिए, तो निगेटिव यहाँ पर मिल जाता है इसे। उसके बाद दूसरी बार कहां जाएगा यह? दूसरी बार जाएगा कहां पर? पैरा पर, क्योंकि ऑर्थो पर जुड़ गया, दूसरी बार कहां जाएगा? पैरा पर जाएगा। तो यह क्या बन गया, देखो जरा इसका नाम क्या होगा। OH की बगल वाली पोजीशन ऑर्थो होगी ना, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल है। यह क्या है? ऑर्थो बेटा पैरा, पैरा ब्रोमोफिनॉल है आपका, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे बताओ जरा, जब फिनॉल की रिएक्शन CH2 के प्रेजेंस में Br2 से कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है? ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल का मिश्रण फॉर्म होता है, मिक्सचर फॉर्म हुआ करता है। बात समझ में आ गई? चलिए अगर यही रिएक्शन हम फिनॉल की रिएक्शन CH2 के प्रेजेंस में ना कराकर, फिनॉल की रिएक्शन Br2 से कराएं CH2 के प्रेजेंस में ना कराकर H2 के प्रेजेंस में कराएं तो क्या होगा? तो होता क्या है, यहां से जो Br+ मिलता है वो एक साथ अटैक करता है ऑर्थो पैरा पर। क्या मैंने कहा? यहां से जो Br+ मिलेगा वो दोनों ऑर्थो पर और एक पैरा पर एक साथ अटैक करेगा। कैसे? जब समझे कुछ इस तरीके से, ऐसे व्हाइट पीपीटी बनती है। ये क्या है? व्हाइट पीपीटी है। क्या नाम होगा? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल नाम होगा। क्या नाम होगा इसका? 2 पर है, देखो 1,2,3,4,5,6 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल है, ठीक है। तो जब भी हम फिनॉल का ब्रोमिनेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2O तो क्या फॉर्म हुआ करता है? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन हो जाया करता है, जो कि व्हाइट होता है आपका, व्हाइट पीपीटी होती है इसके। समझ में आगे होगी आपको। देखो जरा, हम लोगों ने इतनी इस लेक्चर में सिर्फ इतनी ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को कवर करेंगे,
क्यों और बाकी कहाँ गए सर? राइजीमर टीमेट रिएक्शन हुआ, कोल्बी रिएक्शन हुआ, गार्टनमैन रिएक्शन हुआ, फ्राइस रीअरेंजमेंट हुआ, ये कहाँ है सर? ये सेपरेट रिएक्शन है, मतलब रीमर टीमेट रिएक्शन है। तो जितने रीमर टीमेट रिएक्शन को मैंने रिएक्शन भी समझाई है, इसकी मैकेनिज्म भी समझाइए। इसी तरीके से कोल्बी रिएक्शन है, रिएक्शन भी समझाइए, उसकी मैकेनिज्म भी समझाइए। मतलब एक डिटेल में कवर किए हैं इन सारी मैकेनिज्म को, ठीक है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, फिनॉल के प्लेलिस्ट में सब कुछ ये सारी रिएक्शन आपकी मिल जाएंगे। क्लियर हो गया? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।